दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है प्रजापति न्यूज में। दोस्तों आप लोग बचपन से सुनते आ रहे होंगे कि ज्ञान एक ऐसी चीज है जिसे ना ही कोई चोर चुरा सकता है, ना कोई लुटेरा छीन सकता है, ना ही ये बांटने से कम होता है। ऐसे में ज्ञान यानी एजुकेशन जब इतना ही ज्यादा जरूरी है तो फिर क्यों एजुकेशन सिस्टम पूरी की पूरी तरह से हिला हुआ है। अब हमारे देश का एजुकेशन सिस्टम कैसा है और किस तरह काम करता है ये तो आपको मालूम ही है, लेकिन जरा नींदे खोल कर बैठ जाइए क्योंकि आज मैं यानी आपका दोस्त विशाल प्रजापति आपको दुनिया के 5 सबसे अजीब स्कूलों के बारे में बताने वाला हूँ जिनके बारे में सुनकर किसी के भी होश उड़ जाएंगे। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। स्ट्रॉबेरी मैंशन हाई स्कूल। आइए दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रॉबेरी मैंशन हाई स्कूल के बारे में, जो कि फिलाडेल्फिया में स्थित है और ये स्कूल यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की लिस्ट में सबसे खतरनाक स्कूल्स में से एक है। इस स्कूल के टीचर जब बच्चों का बैग चेक करते हैं तो उन्हें टिफिन बॉक्स, पेंसिल, रबड़, किताबें ये सारी चीजें नहीं मिलती, बल्कि बच्चों के बैट से चाकू से लेकर बंदूक तक एक से बढ़कर एक हथियार मिलते हैं। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, इस स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे पढ़ाई कम और गुंडागर्दी ज्यादा करते हैं। इन सब के अलावा इस स्कूल के बच्चों के बैग से एक और चीज मिलती है जिसके बारे में सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे और वो है वैसलीन। अब आप बोलेंगे वैसलीन का क्या काम, तो दोस्तों ये बच्चे अपना थोपड़ा बचाने के लिए वैसलीन का इस्तेमाल करते हैं। स्कूल में बड़े बड़े झगड़े होते रहते हैं, ऐसे में बच्चे ज्यादा चोट ना लगे इसलिए अपने चेहरे वगैरह पर वैसलीन लगाकर बैठ जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे बच्चे इतनी शैतानी करते हैं तो टीचर वगैरह कुछ कहते नहीं है, तो दोस्तों जब बच्चे इतने खतरनाक हो तो टीचर खुद बच्चों से डरता है और अगर गलती से किसी टीचर ने बच्चे को कुछ कह दिया तो टीचर अगले दिन स्कूल नहीं आ पाता। यकीन नहीं आता तो जरा इस स्कूल की प्रिंसिपल को देख लो जो दिखने में बहुत खतरनाक लग रही है, लेकिन रुक जाइए अब आप इस वीडियो को देखिए जहाँ पर बच्चे प्रिंसिपल की हालत खराब करने में लगे पड़े हैं। इसी वजह से स्कूल में 94 कैमरे और 30 से ज्यादा पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया ताकि बच्चे आपस में मार काट करके एक दूसरे की जान न ले ले। पर दोस्तों इन सब के बावजूद यहाँ पर बच्चे मरते रहते हैं। अभी कुछ ही समय पहले इस स्कूल की बच्ची प्रेग्नेंट थी, उसे भी मार दिया गया और उस प्रेग्नेंट लड़की को और किसी ने नहीं बल्कि उसके बॉयफ्रेंड की पुरानी गर्लफ्रेंड ने गोली मार दी। एकापुला। दोस्तों अब ये एक ऐसा स्कूल है जहाँ के बच्चे पढ़ाई नहीं बल्कि ड्रग्स सप्लाई करते हैं। जी हाँ, यहाँ पर बच्चे आधे से ज्यादा टाइम तो नशे में रहते हैं और जब उन्हें होश आता है तो वो मार धाड़ करने में लगे रहते हैं। हर बच्चा अलग अलग गैंग से ताल्लुक रखता है, कोई भी बच्चा बिना गैंग के नहीं रह सकता, उसे किसी न किसी गैंग में तो ज्वाइन होना ही पड़ता है, नहीं तो बाकी बच्चे उसकी हालत खराब कर देते हैं। बात यहीं पर खत्म नहीं होती, इस स्कूल में छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए बड़े बच्चे टीचरों से हफ्ता लेते हैं, अगर कोई टीचर हफ्ता ना दे तो उस टीचर को किडनैप कर लिया जाता है और उसके बाद टीचर को मार डाला जाता है। योदोक, नॉर्थ कोरिया। दोस्तों नॉर्थ कोरिया का हाल तो आप जानती हैं कि वो जगह अपने आप में किसी जन्नुम से कम नहीं है, जहाँ मौजूद हर एक स्कूल अपने आप में खतरनाक है। इस स्कूल में अगर किसी बच्चे ने गलती से भी यहाँ के तानाशाह किम जोंग उन के खिलाफ कुछ कह दिया, अरे खिलाफ तो छोड़िए, अपने देश के तानाशाह के बारे में बच्चों ने जुबान में तेज आवाज में बोल भी दिया तो उन बच्चों को बहुत ही बुरे तरीके से टॉर्चर किया जाता है और पढ़ाई के नाम पर उन्हें सिर्फ अपने देश के तानाशाह की तारीफें पढ़ाई जाती है। उनके परिवार के बारे में, उनके पिता, उनके दादा, इन सब का इतिहास भूगोल पढ़ाया जाता है जबकि काम की चीजें तो उन्हें बताई नहीं जाती। यानी इतनी तकलीफ सहने के बावजूद बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो उन्हें पढ़ने के लिए सिवाय कचरे के और कुछ नहीं मिलता और कुछ भी नया नहीं सीख पाते, और अगर किसी बच्चे ने गलती कर दी तो उसे चुपचाप किनारे में ले जाकर इतना ज्यादा टॉर्चर किया जाता है कि बच्चा फिर कभी भी स्कूल जाने की हालत में नहीं रहता। बटू बुसुक विलेज, इंडोनेशिया। दोस्तों ये स्कूल भी बड़ा विचित्र है क्योंकि यहाँ पढ़ने वाले बच्चे अपनी जान पर खेलकर स्कूल जाते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं किस तरह ये बच्चे ब्रिज को पकड़कर आगे बढ़ रहे हैं, और अगर हल्का सा भी इन बच्चों का हाथ छूटा तो आप समझ ही सकते हैं इनके साथ क्या होगा, लेकिन फिर भी इन बच्चों को स्कूल भेजा जाता है। बच्चे अपनी सुरक्षा के लिए स्कूल न जाने की जिद करते हैं लेकिन परिवार वाले उनकी एक बात नहीं मानते और उन्हें इतनी मुश्किल हालातों से गुजार कर स्कूल भेजते हैं, जिसके बाद ये बच्चे बहुत ही मुश्किल से टूटे हुए ब्रिज को पकड़कर नदी पार करते हैं और तब स्कूल पहुंच पाते हैं। और ये सब कुछ अभी भी चल रहा है
जबकि अब तक कुल 11 बच्चे इस नदी में डूबकर मौत के आगोश में जा चुके हैं। लेकिन फिर भी माँ बाप अपने बच्चों को स्कूल में डालने के लिए मजबूर है, क्योंकि इनके पास अपने बच्चों को उच्च शिक्षा देने का कोई चारा ही नहीं है। इमरजेंसी स्कूल सौरिया अल अमाल। दोस्तों 2011 से सीरिया में आतंकवाद ने अपनी जड़ें जमा ली थी, जिसकी वजह से वहां पर आए दिन लड़ाकू जहाज बरसते रहते थे। इसी वजह से वहां पर बहुत ज्यादा मात्रा में बच्चों की मौत हो गई। बमबारी में मारे जाने वाले बच्चों की संख्या तो ज्यादा थी ही, उसके साथ ही बच्चों की उम्र बहुत कम थी। उन बच्चों का कसूर ना होते हुए भी उन्हें मरना पड़ा था, जिन्हें अंदाजा ही नहीं था कि उनके आसपास हो क्या रहा है। लेकिन अब सीरिया में इमरजेंसी स्कूल खोले गए हैं, जो जमीन के नीचे बनाए गए हैं। जी हाँ, ये स्कूल गुफा की तरह तैयार हुए हैं, जिसके अंदर जाकर बच्चे अपनी पढ़ाई पूरी करते हैं। लेकिन दोस्तों फिर भी अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए भेजने वाले माँ बाप के मन में हमेशा मौत का डर बना रहता है, क्योंकि उन बच्चों को कोई अंदाजा नहीं उनके ऊपर मौत मंडरा रही है। लेकिन उनके माँ बाप अच्छे से जानते हैं कि अपने बच्चे को स्कूल भेजना यानी उनकी जान जोखिम में डालने के बराबर है, पर फिर भी माँ बाप हिम्मत करके अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं और कुछ अपने बच्चों की जिंदगी बचाने के लिए उन्हें घर पर ही रखते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अब आप वीडियो के बारे में क्या कहना चाहते हैं कमेंट में बताना। ऐसे वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। दोस्तों आपकी स्क्रीन पे दो और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।